मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर, विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है, इसका एक आप कंप्लीट प्रोसेस बना के दिखाइए। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंडो 10 बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड टूल नाउ। आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये 18.6 MB के आसपास में है। ये सब आपके नेट पे डिपेंड करता है, कितना फास्ट आपका नेट चलता है। चलिए हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करके बाद इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। यस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप जो है इंस्टॉलिंग ये होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप इसके लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, क्रिएट इंस्टॉलिंग मीडिया। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अनचेक करेंगे। यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज है। चलिए हमें इंग्लिश ही यहाँ देना चाहते हैं। यहाँ एडिशन चूज कर लेंगे, विंडो 10। इसके बाद यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का बिट चूज कर लेंगे। आपकी आपका कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है। जैसे कि मेरा कंप्यूटर 64 बिट है तो हमें 64 बिट बनानी है, तो हम यहाँ पे यह चूज कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 64 बिट और 32 बिट दोनों बनाएं तो इसी आप बोथ चूज कर लेना है। चलिए हमको बनाना है 64 बिट, तो हम सिंपली यह चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, ISO फाइल। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन पूछ रहा है कि आप अपना लोकेशन कहाँ पे डालना चाहते हैं। ये वो लोकेशन पूछ रहा है जब आपका ISO फाइल होके डाउनलोड होके वो कहाँ पे जाएगा, तो वो आप अपने यहाँ से लोकेशन चूज कर लिए। चलिए हम यहाँ डेस्कटॉप ही चूज कर लेते हैं। मेरा जो ISO फाइल है डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल होके ये जाएगा डाउनलोड होके। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 GB के आसपास में होता है, तो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो नेट है कितना फास्ट चलता है, उस हिसाब से ये डाउनलोडिंग होगा। अगर आपका जो नेट स्लो चलेगा तो उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। तो सब ये आपके नेट पे डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये 5 GB के आसपास में ये है। यहाँ पे देखिए ये मेरा डाउनलोड होके आ चुका है। मैं इसको डेस्कटॉप पे चूज किया था। अब मीडिया क्रिएशन टूल का काम हुआ ख़त्म। यहाँ से इसको हम फिनिश करते हैं। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे हम पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो यहाँ आप इस पेज पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 1.129 KB का है, तो बहुत ही छोटा फाइल है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, 1.1 MB का है। जस्ट इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, जिसका साइज कम से कम 8 GB का होना चाहिए। तो वो आप अपने लैपटॉप या आप अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे, लगाएंगे, उसी को हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। लगाने के बाद पेन ड्राइव यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि हमें 16 GB का ये पेन ड्राइव है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लगा दिया हूँ पेन ड्राइव का, तो इसका साइज है 16 GB, जो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बूट चूज करना होगा। इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क और ISO इमेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमको ये फाइल वहाँ पे इंस्टॉल करनी हो। यहाँ से इसका साइज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 4.56 GB का साइज है, जो मैं इसको डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया था। तो आपको यहाँ पे जाके इसको आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है।
तो चलिए हम ये वाला फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फाइल रखे हुए हैं वो फाइल को आपको उसमें सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा हुआ हूँ, तो डेस्कटॉप पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं फाइल रखा हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पर देखिए फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इमेज ऑप्शन में यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है, और इसके बाद यहाँ पे विंडोज टू गो का ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ये जो स्टैंडर्ड वाला सेलेक्ट करते हैं, तो आप जो अपने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, उससे आप किसी भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज टू गो ऑप्शन चूज करते हैं, तो अगर आप ये जो चूज करते हैं तो आपको पेन ड्राइव विंडो बन जाएगी, और विंडो बनने के बाद आप अपने लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डायरेक्ट आप विंडोज यूज कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाला ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो हम यही वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। इसको चूज करने के बाद यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट यहाँ पे हो गया है, और आपका बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो गया है, और जिसका प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से आप अपने जो है पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। एंड फाइनली विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है, जिसको आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां से हम क्लोज करेंगे, इसकी आप कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो इसको आप डिलीट करके हटा सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये पेन ड्राइव है, और ये बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, ये बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। इससे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।